मुन्ना, ये तो हमारी ओर ही आ रहा है। अबे हाँ, ये तो हमारी ओर ही आ रहा है। भाई, ये तो कोई भूत लगता है। मैं भूत ही हूँ। नहीं बेटा, पापा सच बोल रहे हैं। आज पापा का काम बहुत अच्छा हुआ है। कल पक्का आपके लिए एक नया खिलौना लेकर आएंगे आपके पापा। रिमोट वाली कार ना? हाँ बेटा जी, अगर आपको रिमोट वाली कार ही चाहिए तो पापा रिमोट वाली कार लेकर ही आएंगे। आई लव यू पापा। आई लव यू टू बेटा जी। अब मैं रखता हूँ, ग्राहक आए हैं। ओके पापा। ए छोटे उस्ताद, उबले अंडे हैं क्या? जी जी भाई साहब। अभी तो देखता क्या है, चल 10 अंडे लगा दे, प्याज टमाटर काट के। और हाँ, दाल नमकीन है? जी भाई साहब। अभी तो देखता क्या है, 10 वाला पैकेट देना। भाई साहब, मिर्च मसाला भी डाल दूं? क्यों, क्या ये सब नहीं डालेगा तो पैसे कम लेगा? जी नहीं भाई साहब, रेट तो एक ही है। अबे तो देखता क्या है, डाल दे। लीजिए भाई साहब। कितने हुए? जी 110। मुन्ना, मार इसके मुंह पर 110। भाई साहब, थोड़ा तमीज से बात कीजिए। अबे ओ, तमीज की दुकान, हमें तमीज सिखाएगा? साले दादा हैं हम इस इलाके के, तुझे पैसे दे रहे हैं वही बहुत है, वरना हमारी दादागिरी के चलते हमें हर माल फ्री में मिलता है, समझा? पकड़िए 150 रुपये, 40 वापस कर। भाई साहब, 10 खुले हैं तो दे दीजिए, मेरे पास खुले नहीं है। तो हम क्या करें, हमारा काम नहीं है खुले देने का, चल 40 वापस कर। भाई साहब, आप ये 50 ही रखिए। क्यों बे, 10 रुपये छोड़कर बड़ा अमीर बन रहा है, भिखारी की औलाद। देखिए भाई साहब, आप दोनों बहुत उल्टा बोल रहे हैं, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, ऐसी बातें मत कीजिए। बात अमीर गरीब की नहीं, मान सम्मान की है। मेरे पास सच में खुले नहीं है, और 10 रुपये की ही तो बात है, आप लोग कभी भी आते जाते दे जाइएगा। ओ दरिया दिल की दुकान, इतना प्रवचन मत दे कि हमें ईमानदारी की उल्टी सीधी होने लगे। चुपचाप 10 रुपये काट ले और 40 वापिस कर, वरना दूंगा एक उल्टे हाथ का कंटाप। भाई साहब, बोला ना तमीज से बात कीजिए, मैं यहाँ सड़क पर काम लगाकर बैठा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप जैसे लोग कुछ भी बोल जाएंगे। अबे तेरी तो जुबान लड़ाता है हमसे। देखिए भाई साहब, मैं लड़ना नहीं चाहता, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज यहाँ से चले जाइए। बड़ी मुश्किल से लॉकडाउन में नौकरी जाने के बाद ये काम शुरू हुआ है, ये खराब ना करें, जाइए यहाँ से। अबे कमीने दो कौड़ी के इंसान, साले हाथ उठाने के बाद काम की दुहाई दे रहा है, अब तो तेरी गेम बजाने के बाद ही यहाँ से जाएंगे। रघु, पकड़ी से। भाई साहब प्लीज छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। चल मुन्ना, हो गया इसका काम तमाम, हम दादा लोगों की दादागिरी से जो टकराएगा वो मारा जाएगा। पापा उठो ना पापा, आप तो मेरे लिए रिमोट वाली कार लाने वाले थे ना, लाओ ना पापा कार, लाओ ना, उठो ना पापा, उठो ना।
मुझे माफ कर दे बेटा, मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सका, मुझे माफ कर दे। उठो ना पापा, उठो ना। घबराने से कुछ नहीं होगा, जिन्होंने तुम्हें मारा है तुम्हें उन्हें सबक सिखाना होगा। तुम कौन हो और ये अंधेरा कैसा? अभी तो उजाला था। मुझे मरे हुए लोग मार्गदर्शक कहते हैं और ये अंधेरा उजाले की कीमत बताने के लिए है। मतलब ये कि मैं इस अंधेरे में भटकती आत्माओं को मुक्ति का रास्ता दिखाता हूँ। मेरी मुक्ति का रास्ता क्या है? तुम्हें उन लोगों को मारना होगा जिन्होंने तुम्हें मारा है। मैं उन्हें कैसे मार सकता हूँ? मैं तो आत्मा हूँ जो अपने बेटे को भी छू नहीं पाया। तुम अब वो कर सकते हो जो कोई नहीं कर सकता। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से तुम्हारे खातिलों को पकड़ लिया है। इस वक्त वो पुलिस स्टेशन में है। कल पुलिस उन्हें दुनिया की अदालत में खड़ी कर देगी। तुम्हारे पास सिर्फ आज का दिन है उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाने का। लेकिन मैं कैसे मारूंगा उन्हें? अपने गुस्से की मदद से तुम उन्हें मारोगे, यही तुम्हारी मुक्ति का मार्ग है। मैं तो मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन मेरे परिवार का क्या होगा? तुम्हें उनकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उनका भविष्य तो जिंदा रहते हुए ही तुम टर्म प्लान इंश्योरेंस लेकर सुरक्षित कर चुके हो। इंश्योरेंस के उन पैसों से तुम्हारे परिवार का भविष्य सुनहरा रहेगा। अब समय खराब मत करो, इस अंधेरे को दूर करने की चाबी तुम्हारे ही पास है। अपने खातिलों को मारकर अपने उजाले को पालो रमेश, जाओ। पुलिस स्टेशन कहाँ है? क्रोध की जिस अग्नि में तुम जल रहे हो उसी अग्नि के देवता के उदय की दिशा में दौड़ते जाओ, मंजिल मिल जाएगी। पूर्व दिशा। आगे की कहानी जल्दी आ रही है आपके अपने चैनल अनकहे किस्से पर। देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए हमारे साथ।